दोस्तों, आप फेसबुक चलाते हैं क्या? आपको पता है कि फेसबुक में फॉलो बटन को कैसे लाया जाता है? अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि फेसबुक बटन के क्या फायदे होते हैं और उसको कैसे लाए जाते हैं। तो हे गाइस, मैं हूं सूरज, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल सूरज पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी आपको अपने फेसबुक को ओपन कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सेटिंग्स होते हैं जिनको आपको पब्लिक या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को करनी होती है। तो सिंपल सी आपको यहाँ पे देख लीजिए, आपको थ्री लाइंस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेटिंग एंड प्राइवेसी पे टैप करके आपको सेटिंग्स पे टैप कर लेनी है। सेटिंग्स पे टैप करने के बाद आपके सामने जो भी सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, प्राइवेसी का ऑप्शन होगा, वो सिंपली ओपन होकर आ जाएगा। चलिए, मैं यहाँ से टैप कर दिया हूँ और मेरा सेटिंग्स का जो भी प्राइवेसी है ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो प्राइवेसी के नीचे आपको यहाँ पे देख लीजिए प्राइवेसी सेटिंग्स देखने को मिल रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि इसी पे आपको टैप कर देना है। इसी पे टैप करने के बाद, प्राइवेसी सेटिंग पे टैप करने के बाद आपके सामने कोई अदर पेज खुलकर आ जाएगा। यहीं पे कुछ सेटिंग्स है जिसको आपको पहले पब्लिक करनी होती है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप अपने फॉलो बटन को भी ऑन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको कुछ एक्टिविटीज, योर एक्टिविटीज पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे कुछ जो चीज़ भी है वो पब्लिक और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है। तो यहाँ पे सिंपल से इन सारे चीज़ों को जो चीज़ भी है आपको पब्लिक कर लेनी है या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कुछ सेटिंग्स है, जैसे यहाँ पे यूजिंग द ईमेल है, इसको आपको ओनली मी रखना है। फ़ोन नंबर जो आप प्रोवाइड किए हैं इसको भी आपको ओनली मी रखना है, यानी इसको भी प्राइवेट रखना है। चलिए दोस्तों, इतना चीज़ आप कर लेंगे, उम्मीद है कि आप पहले से भी किए भी होंगे। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल में फॉलो बटन कैसे लाएंगे। तो सिंपल से आपको यहीं से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको होम पेज पे आने के बाद अपने फेसबुक प्रोफाइल, जो भी आपका फेसबुक प्रोफाइल है लगा हुआ है, तो आपको प्रोफाइल पेज पे आ जाना है। चलिए मैं यहाँ से अपने प्रोफाइल पे टैप करके प्रोफाइल पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ से जैसे ही आएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप सिंपल से देखेंगे तो आपको एडिट पब्लिक डिटेल्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आप में भी ये शो कर रहा होगा। तो सिंपल से आपको करना क्या है कि एडिट पब्लिक डिटेल्स पे आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपका जो चीज़ भी है, कवर फोटो, प्रोफाइल पिक्चर और बायो आ जाएगा। सिंपल से यहाँ पे देखेंगे तो सब चीज़ आपका जो चीज़ भी है वो आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे एक ऑप्शन आपने कुछ देखने को मिल रहा होगा, डिटेल्स है दिख रहा होगा। बगल में आप देखेंगे तो आपको एडिट का भी ऑप्शन एक देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपल से आपको एडिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। एडिट वाले ऑप्शन पे टैप करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा जो भी डिटेल्स होंगे वो शो कर रहे होंगे। तो सिंपल से यहाँ पे देख लीजिए, जिस चीज़ को भी आप शो ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपल से आपको क्या करना है, उसको टिक आउट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से आप देखेंगे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा फॉलोवर्स का। तो गाइस, करना क्या है कि आपको इसी को ऑन कर लेना है। ऐसे सिंपली आप में अभी ऑफ रहेगा और इसके बाद सिंपल से जैसे आप इसको ऑन करेंगे, ये जो आपका फॉलो बटन और आपका फॉलोअर जो चीज़ भी है वो भी शो हो जाएगा। सिंपल से आप इसको ऑन करके सेव कर ले। सेव करने के बाद क्या होगा कि आपका जो भी फॉलोअर बटन होगा ना, वो सिंपली फॉलो का भी आ जाएगा। सिंपल से अभी आप में, चलिए मैं दिखा देता हूँ जैसे मैं इसको सेव करूँगा उसके बाद क्या कुछ होता है यहाँ पे डिटेल्स की, मेरे में पब्लिक में शो कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, फाइनली मैं वहाँ से बैक आ गया हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मेरा भी फॉलो का जो फॉलो बटन था और जितने भी फॉलोअर है वो शो कर रहा है, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग भी रहा है।